मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे माइंड में पहले से इतनी सारी बातें हैं, अरे क्या क्या मैं अपने माइंड में रखूं। काम करते करते अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, काम शुरू तो पूरी एनर्जी के साथ किया जाता है बट फोकस नहीं आ पाता है, बीच में कहीं फोकस लूज हो जाता है क्योंकि दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारे ख्याल आते हैं पहले से ही कि कंसंट्रेशन लेवल बन नहीं पाते। दोस्तों क्या आप भी इन सब बातों का सामना करते हैं? क्या इन सब कारणों से आपकी भी प्रोडक्टिविटी, काम करने की इंटेंसिटी कम होती है, लूज होती है? यदि हाँ तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको मैं 5 टिप्स बताऊंगा टू ऑर्गेनाइज योर माइंड। तो वेलकम टू आवर चैनल स्किलिंग यू। मैं आपका दोस्त, वीडियो का होस्ट रवीश मल्होत्रा, स्वागत करता हूं आपका वीडियो में 5 टिप्स टू ऑर्गेनाइज योर माइंड। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, एक्सटर्नलाइज। आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसको नेचर कहते हैं। कुछ चीजें नेचर की मेमोरी में डाल दीजिए। अब आप सोच रहे हैं कैसे चीजों को एक्सटर्नलाइज कैसे करी जाए। मान लीजिए आपने न्यूज में सुना, आपने टीवी में पढ़ा, आपने इंटरनेट पे पढ़ा कि आने वाले 2-4 दिन में बारिश का मौसम होने वाला है। अब आप इस बात को अगर अपने माइंड में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको नेचर को रिमाइंडर की जिम्मेदारी दे दीजिए। कैसे? अपने घर के बाहर, अपने रूम के बाहर आप एक अम्ब्रेला टांग दीजिए, तो जैसे ही आप घर के बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिकली आपको नेचर सिग्नल दे देगा कि अम्ब्रेला बाहर है, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं इसको सोचा था कि बारिश आने का चांस है। और क्या कर सकते हैं? यदि सुबह जल्दी उठ के आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और आप सुबह की भागदौड़ से बचना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं और अपने माइंड को एक एक्सटर्नल सिग्नल देना चाहते हैं, तो जो भी ड्रेस आपने, जो भी कपड़े आपने अगले दिन सुबह पहनने, उसको पहले ही निकाल के रख लीजिए। जी हाँ, तो ये नेचर की तरफ से आपको एक सिग्नल अपने आप मिल जाएगा। गाड़ी पहले से ही बैक करके रख सकते हैं, गाड़ी पहले से ही जिस तरफ जाना उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सामान अगर आपने 2-4-5 दिन के ट्रिप पे निकलना है तो आप पहले से ही कुछ बैग्स गाड़ी में रख सकते हैं। तो ये नेचर के जैसे सिग्नल मिलेगा, आपके माइंड को एक सिग्नल ऑटोमेटिकली मिलेगा और माइंड में क्लटर भी नहीं रहेगा। इसे कहते हैं एक्सटर्नलाइजिंग दी थिंग्स। तो टिप नंबर 1 ये है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट का यूज करिए अपने माइंड को रिमाइंडर्स देने के लिए। अब आते हैं टिप नंबर 2 पर, राइट डाउन द टास्क। जी हाँ, जो भी काम करना है, मैं मानता हूं कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप सब मोबाइल यूज करते हैं, आप सब ऑर्गेनाइजर यूज करते हैं, आप लोग जीमेल रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, करिए। बट मैं यहां आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी आपको नेक्स्ट डे काम करना है, उसका जो भी आपका शेड्यूल है, या ऑफिस पहुंचते ही उस दिन जो जो आपको काम करने हैं वो एक पेपर पे लिख जरूर लीजिए। ये ऑटोमेटिक रिमाइंडर रहेगा, आपका माइंड ऑर्गेनाइज रहेगा, आपका माइंड ज्यादा फोकस रहेगा उस काम को करने के लिए। और ट्रस्ट मी, जब शाम को आप उस काम को करने के बाद उसको लिस्ट से काटेंगे, एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा आपको, आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा। और स्टडीज भी दिए कहती हैं, आप किसी भी हाईली सक्सेसफुल पर्सन की जीवनी पढ़ लीजिए, बायोग्राफी पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये बात मिल जाएगी। मैंने भी इस पे काफी रिसर्च करी है, काफी बातें ढूंढी हैं और ये बात प्रूवन है कि हाईली सक्सेसफुल पर्सन अपनी चीजें, अपने काम लिख कर रखते हैं अपने पास। और स्टडीज ये भी कहती है कि जो काम लिख लिया जाता है उसको होने के, कंप्लीट करने के चांसेस 97%, जी हाँ 97% बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू जो काम लिखा नहीं जाता है। तो टिप नंबर 2, राइट इट डाउन। अब पढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, प्रायोरिटाइज कर लीजिए काम को। देखिए, आप सब काम एक साथ एक ही बारी में तो नहीं कर सकते। ऑब्वियस ही बात है, आपके दिन के टास्क, के हफ्ते के टास्क, के महीने के टास्क, जिस हिसाब से भी आपने प्लान कर रखा है, आपको एक बारी में तो आप एक ही काम कर पाएंगे एट दैट मोमेंट। तो प्रायोरिटाइज कर लीजिए ना कि किस काम की इंपॉर्टेंस कितनी है, किस काम को कैसे करना है, किस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा प्लानिंग में टाइम लगा दीजिए तो आगे जाके ये काम करने में आपको आसानी रहेगी, आपका फोकस बना रहेगा और आपके माइंड पे प्रेशर भी कम रहेगा और आपके माइंड में क्लटर भी कम रहेगा।
क्या कर सकते हैं आप, इंडेक्स लिस्ट बना सकते हैं, कलर चिट्स बना सकते हैं, उसको अपने डेस्क पे लगा सकते हैं, वर्किंग डेस्क पे लगा सकते हैं, अपने रूम पे वो चिट्स लगा सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि किस काम की क्या प्रायोरिटी है। जिस काम की ज्यादा प्रायोरिटी है उसको कोई अलग कलर कोड दे सकते हैं, ताकि वो चिट देखते ही आपको याद आ जाए कि ये हाई प्रायोरिटी में आता है। अरे टू डू लिस्ट बना सकते हैं आप डेली बेस पे, उसको भी आप कलर कोड दे सकते हैं, उसको भी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये, काम को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपका माइंड कम क्लटर रहेगा। टिप नंबर 4, कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए। होता क्या है, जब हम घर पहुंच जाते हैं तो हमको ऑफिस के काम याद आते रहते हैं, जब हम ऑफिस में रहते हैं हमको घर के काम याद आते रहते हैं, हम कहीं ऑफिशियल ट्रिप पे गए तो हमको बैक ऑफिस के काम याद आते रहते, तो काफी माइंड में जंबल रहता है। इससे बाहर आइए, अपने माइंड को, अपने काम को कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए। तभी मैं कह रहा था, अगर आप लिख के रखेंगे, राइट डाउन करके रखेंगे, प्रायोरिटाइज करके रखेंगे, तो आपकी जंबलनेस कम रहेगी, बेटर कंपार्टमेंटलाइज कर पाएंगे आप। घर का काम घर के लिए, ऑफिस का काम ऑफिस के लिए, चैनलाइज कर लीजिए काम को, आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करने में इजी रहेगा। तो चीजों को मिक्सअप मत करिए, जो जिस एनवायरमेंट का काम है, जिस एनवायरमेंट का टास्क है, उसको उसी एनवायरमेंट में खत्म करके नेक्स्ट एनवायरमेंट या नेक्स्ट टॉप की तरफ आप बढ़िए। टिप नंबर 5, दिन में 2 बार, जी हां, दिन में 2 बार कम से कम, इफ नॉट मोर, एक माइंड डी क्लटरिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। एक मिड डे या एक क्विक रिव्यू कर लीजिए कि जितने भी काम आपने आज करने थे वो कर पाए कि नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो उनका क्या स्टेटस है, कब तक हो पाएंगे, ना कर पाने का क्या रीजन है। 5 मिनट अगर आप इस एक्सरसाइज को देंगे, आई एम श्योर आपका माइंड डीक्लटर हो जाएगा, आपको और आगे फोकस मिल जाएगा, आपके माइंड में और क्लैरिटी आ जाएगी, और आप ज्यादा एनर्जी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा पैशन के साथ कामों को कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 टिप्स। मैं 5 टिप्स एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको एक रिकॉल करने में आसानी रहे। टिप नंबर 1, एक्सटर्नलाइज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यूज करिए अपने माइंड को सिग्नल देने में। टिप नंबर 2, राइट इट डाउन, जो भी काम है उसको लिख लीजिए, लिखने से उसको काम की करने की प्रोबेबिलिटी 97% इंक्रीज हो जाती है। टिप नंबर 3, प्रायोरिटाइज कर लीजिए, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए, उसमें कितना टाइम लगेगा इसकी प्लानिंग कर लीजिए। टिप नंबर 4, काम को कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए, एक तरह के एनवायरनमेंट का काम एक तरह से करके दूसरे एनवायरनमेंट में तभी जाए जब पहले एनवायरनमेंट का सारा काम हो गया। कहने का अर्थ है, घर का काम ऑफिस में, ऑफिस का काम घर में मिक्स ना करें, आपके लिए ही इजी रहेगा। टिप नंबर 5, दिन में एटलीस्ट 2 बार एक छोटी सी डीक्लटर एक्सरसाइज कर लीजिए, जस्ट टू चेक कि आप कहां हैं। एक बार आप इसको मिड डे में कर सकते हैं, एक बार ऑफिस से निकलने से पहले कर सकते हो, आपका माइंड ज्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 टिप्स टू हैव एन ऑर्गेनाइज माइंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविश मल्होत्रा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।